तो दोस्तों अभी हम आ रहे हैं ड्यूटी से और आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों भारी मैं बोली आखिर हमें जाइए आटा चावल वही चावल आया रात बोले थे इसमें ही रखे हैं ना सुबह से बोले कि मैं इधर से लेके आऊंगी तेल एक केजी सरफ दाल आज 8 तारीख है और ग्रहण लगने वाला है दोस्तों तो शाम को 6 बजे वीडियो चला जाता है हमारा तो अगर आप लोग कोई सलाह देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा क्योंकि हमको जो इतना हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे और यूट्यूब से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों अभी नाइट हो चुका है और अभी पूरा रास्ता में खत्म हो गया है तो यहाँ पर आप लोग को दिखा देते हैं तो देख सकते हैं इधर डब्बा में दोस्तों इसमें क्या रहता है सीमा आटा ना इसमें देख सकते हैं पूरा इतना तक हो गया है और इसमें चावल थोड़ा ही बचा है चावल आटा और ज़्यादा सामान है ना इसके अंदर ख़त्म हो चुका है और गैस भी ख़त्म हो गया था तो गैस तो लेके आ गए हैं और सोचो चलो चलते हैं अभी पूरा राशन का सामान लेके आते हैं और आज रूम में राशन भर देते हैं इधर सीमा रेडी हो रही है चलने के लिए चलो ना कितना रेडी होगी इतना दिन पर जा रहे बाहर टैक्सी चले जाए अभी मार्केट में कितना भीड़ रहता है अभी जल्दी जाते दोस्तों जाते नहीं है जाना भी तो हॉस्पिटल ही जाते हैं जब सामान लाने के जाते नहीं कभी कभी जाते फिर अभी जाएंगे सामान लाने के दुकान में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा देखते हैं अभी क्या क्या लाएंगे तो जितना भी राशन पूरा घर का सामान लाएगा आज लेके आ जाएंगे दोस्तों क्योंकि लाना जरूरी है ना तो फिर थोड़ा थोड़ा का मतलब लाएंगे वो मतलब एक ही बार राशन लेके आना पड़ता है सब कुछ जैसे कि चावल दाल तेल या 100 रुपये एक ही साथ लाते हैं अपन चलते रहता है उधर या तो सामान लेंगे तो इधर उधर से लेते तो ज़्यादा महंगा रहता है थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है हमका मैं सोची कि मैं भी इनके साथ चलती हूँ थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी जहाँ तो वो लूँगी नहीं थोड़ा बहुत सामान रहेगा वो मैं ले लूँगी हल्का हो जाएगा इनको भी लाने में बनेगा क्योंकि जहाँ ज़्यादा दूर है ये भी हरा दूर है जाने में दोस्तों इसके लिए हैरान हो जाते हैं भी सोची क्यों नहीं हम भी चले इनके साथ थोड़ा इनका हेल्प भी हो जाएगा और हम थोड़ा शाम को घूमने भी लेंगे इतना भी रूम पे बैठे रहते हैं बोर हो जाते हैं ना तो चलो दोस्तों अभी घर में ताला मारेंगे क्योंकि अभी हम दोनों जा रहे हैं तो रूम में रहिए आप लोग पता है रूम में चोरी वेपर हो जाता है इसके लिए तो देखिए इधर कितना अंधेरा है हाँ तो मोबाइल लग जाओ ताला ले लो ताला अभी मारेंगे चलेंगे तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं तो आप लोग सब कुछ दिखाएंगे तो दोस्तों अभी हम आ रहे हैं ड्यूटी से और आप लोग सोच रहे होंगे अभी ये कहा कि ड्यूटी से कैसे आने लगे अब तो गए थे रास्ता लाने के लिए तो पहले देख सकते हैं बैग टांगे हैं नीचे जूता उत्ता पहने हैं और साथ में सीमा भी थी जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि जा रहे राशन के लिए लेकिन राशन के लिए ले गए तो आप लोग बताना चाहते हैं कि जैसे हम राशन के लिए आए तो यहाँ पे राशन में इतना दुकान में इतना दोस्तों भीड़ था क्या कहें इसके लिए हम बोले कि चलो सीमा चलो नहीं तो लेट हो जाएगा और मुझे ड्यूटी निकलना था नाइट में तो इसके लिए दोस्तों हम फटाफट रूम पर चले गए और ड्यूटी आ गए और बोले ड्यूटी से जब रिटर्न जाएँगे राशन ले लेंगे देख सकते हैं बैग टांगे हुए हैं जूता पहने हुए हैं और इधर देख सकते रोड है और अभी हम जाएंगे रूम पे तो उससे चलो जा रहे हैं तो ब्लॉग बना लेते हैं और अभी सीमा को बताया नहीं है इसी तरह से राशन लेके बैग में रख के रूम पे जाएंगे तो आए का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे चलो दोस्तों ले चलते हैं दुकान में और लेते हैं राशन तो दोस्तों अभी फाइनल पे पहुँच चुके हैं और सामान ज़्यादा हो गया था देख सकते हैं तो ये बोरा में ले दिया है और कुछ सामान बैग में रख लिए हैं चले पहले सीमा से मिला सीमा क्या कर रही है देख सकते हैं तो देखिए दोस्त इधर हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग अभी सुबह सुबह का टाइम में देख ही रहे हैं अभी खाना बना रहे हैं हम क्या बना रहे हैं भिंडी का भुजिया बहुत दिनों बाद आज भिंडी का भुजिया बनेगा क्योंकि अभी कल पता है चिकन खाए थे क्या ही बताए अभी बता देती हूँ इनको ऐसे ही अब पता है कि चिकन खाने का है नहीं फिर भी बहुत दिनों हो गया था थोड़ा सा ठीक हो गया था इसके लिए सोचे चलिए बनाते हैं बनाए फिर इनको एक पट्टी दर्द होने लगा अब हमको तो टेंशन हो रहा था इनको काम पर भी जाना था बहुत ही टेंशन हो रहा था फिर भी ये दवाई रख लिए जो दर्द का दवाई होता है वो जेब हमेशा दोस्तों जेब में रखते हैं फिर जेब में होगा निकाल के बताते हैं तो दर्द का दवाई है तो हम लेके गए थे बोले थे होगा तो खा लेंगे टेंशन मत लो तो सोचे चलो आप कुछ हरा सब्जी और दोस्तों आप लोग बताए थे राशन के लिए गए थे तो इतना भीड़ था वहाँ पे
रात को ना रात को गए, इतना भीड़ था, मैं भाग के चली गई, बोले कि अंदर मत घुस क्योंकि वहाँ पर राशन थोड़ा सा सही देता है, वहाँ पे सामान भी सही रहता है, पैसा भी। तो दोस्तों यही बात है कि हम लोग जल्दी जल्दी आ गए और हम लोग भी ड्यूटी गए थे, तो उधर से आए तो राशन लेके आए, बोले कि चलो 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 कल हम भी राशन लेके आऊंगा सुबह में, तुम चलो, मैं आ गई रात को। तो चलो अभी खाना अभी रोको, पहले क्या क्या राशन ले आए वो पहले दोस्तों को बता देते हैं, फिर तुम खाना बनाना। चलो ठीक है, चलो दोस्तों। और इसके अंदर क्या क्या है सीमा? इसमें कुछ नहीं है, आटा का चावल का। चलो पहले बंद कर दो, पहले राशन दे, देखते हैं क्या क्या लाए, फिर खाना बनाना। देखो पहले क्या हो उधर से बोरा दोस्तों, भारी है, बोली आखिर घर ले जाइए, बोरा में भी है, बोरा देता है तो काम का आ जाता है, मुझे बोरा का बहुत काम लगता है। आटा चावल, वही चावल आया रात बोल रहे थे। चलिए बोरा आटा चावल है इसमें, अब दोस्तों बैग में क्या ले जाए, इसमें ही रखे हैं ना, इसमें लाए हैं, सुबह से बोले कि मैं इधर से लेके आऊंगी, तेल 1 kg, दाल हमारा ये कम से कम 17-18 दिन चल जाता है दोस्तों, हमारा 5 kg चावल, 5 kg आटा, 2 आदमी है तो इतना तो चलना है। तो अभी फाइनली आप लोग बता देते हैं क्या क्या लेके आए हैं, देख सकते हैं चावल है, कैसे चावल देखिए, देखिए दोस्तों इरादा ने 5 kg है और 5 kg चावल कितना दिन चलता है, 19 दिन चल जाता है दोस्तों, बात बताइए। और इधर 5 kg आटा है दोस्तों, और ये आप लोग पता है दाल कौन सा है, मसूर का दाल है 1 kg, हम सोचते थे कि और ये मीठा तेल 1 kg है, यही तो हमारा, और ये रहेगा दोस्तों कपड़ा पर साफ करने के लिए सर्फ, और इधर आलू 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 है इधर, और क्या है गोभी, तो शाम को सीमा लाई थी, मैं उधर से आते टाइम मैं सब्जी भाजी ले ली इधर से, थोड़ा सा हल्का सामान था, मैं चली आई उधर ही, दाढ़ी से बिंग करा रहे थे, गए थे, और भिंडी भी लाए थे, तो अभी देखे भिंडी काट के भुजिया बना रहे हैं, और ये सब सामान लेके आए। तो सही दोस्तों अभी तो सीमा खाना बनाएगी, खाना हम लोग खा ही लेंगे, तो राशन का सामान आ गया, क्या बोलेंगे सब बोलो। एक बात बोलना चाहते हैं कि आज तो शाम को वीडियो जाएगा, आज 8 तारीख है और ग्रहण लगने वाला है दोस्तों, तो शाम को 6 बजे वीडियो चला जाता है हमारा, तो अगर आप लोग कोई सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमको जो इतना मालूम है हम उतना करेंगे। फिलहाल आप लोग अगर अच्छे, आप लोग मतलब कहने का मतलब हमारा है आप लोग जानते हैं कुछ दोस्तों, तो वही मैं बोल रही थी कि अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं, आप लोग जो ग्रहण लगेगा उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को, जो सूर्य ग्रह लगने वाला है रात को, तो आप लोग जरूर बताइएगा, हम उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, अभी ये वीडियो और दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे जाना मतलब नार करके आए, नींद आ रहा है, तो अभी मुँह कान धोएंगे, फ्रेश होंगे, और ये सब चीज़ उठाना नहीं है क्योंकि थोड़ा भारी है इसके लिए, अभी तो आप उधर देख सकते हैं उधर डिब्बा है, तो अभी डिब्बा लेके आएंगे, उसमें सब रख देंगे, उससे आप खाना बनाइए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे हम एड करेंगे, तो ब्लॉग कैसा लगा होगा आप लोगों को, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय दोस्तों।